क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी। फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स। तो आप लोग को सत्ता में रहते क्या फायदा जब महिलाएं, अगर पानी का मसला हफ्ते भर में नहीं हल हुआ, 5 मिनट पानी आके चला गया, बिल भर रहे पानी कहाँ है। तो हमारा नंबर आए तक 4-5 दिन लगता हम लोग के, वो MLA ना यहाँ के, तो हमको पानी तो मिलना चाहिए ना। इतनी बार आप लोगों ने आंदोलन किए, वहाँ जाके कपड़ा तक धो डाले आप। मुझे भी शर्म आ रही है कि मेरे वार्ड में लोग परेशान है, पानी लगा के 4 माला। हमारे को नमाज पढ़ने के लिए, वजू करने के लिए पानी नहीं रहता हमारे। बड़े शर्म की बात है, पानी उठा को डूब के मर जाना। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है हम मुमरा के शादी महल गली में, और आपको बता दें कि शादी महल गली एमके कंपाउंड जो है वहाँ पर पानी की काफी समस्या है, जिसको लेकर नगर सेवक जो जफर नुमानी है उनके कार्यालय पर तमाम महिलाएं यहां पर पहुंची हुई हैं, और पानी पुरोठा विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भी यहां बुलाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पानी पुरोठा विभाग के जो अधिकारी हैं उनको कई बार ये महिलाएं अपनी समस्या बता चुकी हैं, नगर सेवक अपनी समस्याएं बता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पानी की समस्या खत्म होती नजर नहीं आ रही है, बल्कि दिन ब दिन पानी की समस्या और बढ़ते ही जा रही है। 3 महीने 4 महीने लगातार पानी की समस्या हो गई है। कभी 1 घंटा पानी आता है तो कभी आधा घंटा पानी आता है, किसी को मिलता है तो किसी को नहीं मिलता है। तो ऐसी तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे किस तरह की पानी को लेकर आप लोगों को तकलीफें हो रही है। हमारे पानी यहाँ पे आता है 3-6 बजे का टाइम, और पानी आता कभी 4:45 बजे और 5 मिनट पानी आके चला जाता, वो भी प्रेशर तो है ही नहीं, खाली आ रहा है जा रहा आ रहा जा रहा, ऐसा पानी आ रहा, तो इंसान कैसा भरेगा। और हमारे वहाँ पे बोरिंग लगी हुई है, बोरिंग का पानी तो इतना खराब है कि इंसान नहाएंगा भी ना पूरी खुजली हो रही है बदन को, तो फिर कैसा ये करेंगे इंसान, कैसा भरेंगे और कैसा जिएंगे, क्या फायदा फिर अपने ये पानी तो भेज रहे थे, तो कुछ भी तो फायदा नहीं है अगर पानी भेज रहे। तुम पानी का लाइट, पानी का बिल भरने के लिए तो बोलते बिल भर रहे, पानी कहाँ है, बिल भर के भी क्या फायदा। फिर आप लोग क्या कहेंगे, पानी की समस्या जिस तरह से है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? यही बोल रहे जो पहले 11:30 बजे 12 बजे पानी छोड़ते थे लोग, 4 बजे तक पानी आता था, तब हम लोग को एक दिन छोड़ के एक दिन नंबर आता था हमारा। अभी इन लोग 12:30 बजे पानी छोड़ते हैं और 2:45 बजे पानी बंद कर देते, तो हमारा नंबर आए तक 4-5 दिन लगता। हम लोग को 70 रूम का बिल्डिंग है हमारा, तो हमारे रूम को टाइम लगता पानी को, और इन लोग महीने का हम लोग अभी टैक्स पावती भी भरने लगा है, हम लोग टैक्स भी भर के आए गवर्नमेंट का। अभी हाँ अभी मीटर बिल आएगा मार्च में, तो बिल भी हम लोग को भरना है। जब हम लोग सब चीज से क्लियर है तो हम लोग को पानी तो चाहिए ना, हम लोग को पानी इतना लेट मिले तो हम लोग बाहर से खरीद के हम लोग पानी पीते हैं, और 2-4 दिन में नंबर नहीं आएगा तो बाहर से ड्राम का पानी मंगाते हैं। कितने देर पानी आता है आप लोगों की? हमारे यहाँ पर तो सिर्फ आधा घंटा आता है और आकर चला जाता है, और हमारे बिल्डिंग में 50 रूम है। क्या रहते हैं आप? हम हाजीपुर में रहते हैं। 50 रूम है, आधा घंटा आता है चला जाता है, 1 दिन पानी आता है, 3 दिन नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे। और हम लोग आके जफर भाई को बोलकर जाते हैं तो वो बोलते हैं हाँ नहीं आएगा, मैं बुला रहा हूँ कर रहा हूँ, हमको आश्वासन देते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। आप लोग कितनी बार यहाँ पर आए, शिकायत की कितनी बार आकर बोल चुके हैं, और अभी 2 दिन पहले आने वाले थे, लेकिन हाँ लेकिन नहीं होता है, आकर बोलकर जाते हैं। आज हमको आश्वासन मिला है, आज हम देखते हैं, अगर नहीं नेक्स्ट टाइम नहीं हुआ तो हम आगे एक्शन लेंगे जरूर। एक्शन मतलब किस तरह का, क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे भाई, हम लोग और क्या करेंगे भाई। हम लोग हाजी उम्र में ना, हाजी उम्र एमकेएल कंपाउंड से हूँ मैं, 4 माले पे हम लोग रहते हैं। पानी हमारे इधर है ना 3:30 से 6 बजे तक का टाइमिंग है, पर पानी मुश्किल से प्रेशर रहता है आधा घंटा 1 घंटा, टाकी फुल नहीं होती, ऊपर पानी नहीं चढ़ता है, और हम लोग को पानी मिलता 53 घर है हमारी बिल्डिंग में, हम लोग 5-10 मिनट मुश्किल से पानी आता है, मुश्किल से। उसमें हम लोग क्या करेंगे बताइए, हमारा बच्चा, हमारे बच्चे 10-11 साल के, हमारे बच्चे जाते हैं कैन से बोरिंग से नीचे से पानी लेकर आते हैं 4 माला, खुदा ना खास्ता पैर स्लिप हो जाए या कुछ हो जाए, और बिगर पानी के हम लोग क्या करेंगे, कैसा रहेंगे। जफर भाई ये बताइए, ये महिलाएं आंदोलन करने को तैयार है तो आप लोग को सत्ता में रह के क्या फायदा, जब महिलाएं पानी के लिए रोड पर उतरेंगी तो क्या करेंगे। तो इस्लामुद्दीन भाई, हम लोग सत्ता में नहीं, कारपोरेशन में सत्ता सेना की है, हमारी सत्ता नहीं है, यहाँ सत्ता में हो ना, यहाँ सत्ता में आए, लेकिन कारपोरेशन हम आंदोलन करने तैयार है, हम तो खुद बोल रहे हैं, अगर हमने आज ऑफिसर को स्ट्रिक्ट एकदम सख्त अल्फाज में कह दिया है, अगर पानी का मसला हफ्ते भर में नहीं हल हुआ
तो हम कार जो पानी परोठा की ऑफिस है उसमें ताला लगाएंगे। ये अपनी आवाम के साथ वार्ड के लोगों को लेकर के बैठ करके हम इनके साथ बैठेंगे। कितनी बार आप लोगों ने आंदोलन किए, वहाँ जाके कपड़ा तक धो डाले आप लोगों ने, लेकिन फिर भी पानी की समस्या का हल नहीं हो रहा। सर जो जब कपड़ा धुला गया था तो वो हमारे यहाँ तब अल्लाह का शुक्र था कि पानी की तकलीफ नहीं थी। हमारे यहाँ पानी की तकलीफ अभी कुछ टाइम से हुई है। यानी वो आंदोलन बेमतलब किया गया? नहीं, उनके यहाँ तकलीफ थी इसलिए उन्होंने किया, मेरे यहाँ तकलीफ है। मैं इनके साथ, मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा हूँ और मुझे बिल्कुल ये बात कहने में शर्म नहीं आती कि मेरे वार्ड में पानी की तकलीफ है। ये बात सच्चाई है, ये आवाम रोज मुझे फोन करती है। और मैं एक चीज और बता देता हूँ इस्लामुद्दीन भाई, मेरे यहाँ कोई भी फोन करता है मैं सबका फोन रिसीव करता हूँ। आप मेरी ये आवाम यहाँ पर मौजूद है उनको पूछिए, रात को 12 बजे फोन करें, 2 बजे मैं विजिट भी करता हूँ, मैं खुद पूरे वार्ड का विजिट करता हूँ, मैं खुद जाता हूँ विजिट करने के लिए, मैं डरता नहीं, मैं घबराता नहीं। ये बताइए, यहाँ के नेता जो है वो लोग कहते हैं कि मुमरा बहुत अच्छा बन गया है, कहीं ना शंघाई सिंगापुर हो गया, और पानी की समस्या इतनी इतनी है। जो यहाँ के MLA भी ना वो भी बहुत अच्छे, पर हमारा जो ये अमृतनगर एरिया है ना इसमें पानी का प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा ही है। काम ही में यहाँ पे हर चीज अच्छी हो रही है पर पानी को लेके बहुत सारी तकलीफ है भाई। अगर पानी का हल नहीं हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं? मेन तो पानी है ना। आपके चैनल के माध्यम से हमको नेताओं तक ये आवाज पहुँचानी है कि हमारा पानी का मसला हल हो जाए। पानी आपको तो पता है कि जो सर है उनका ये बात पहुँचे तो बेहतर रहेगा कि वो MLA ना यहाँ के, तो हमको पानी तो मिलना चाहिए ना। हम हमारे नगर सेवक के पास हमारे नगर नहीं हमारे नगर सेवक तो कर रहे हैं, पर उनका ये पूरा पूरा MLA है, कलेक्टर है, तो उनका काम है ना हमारे इधर पानी का वो भेजना करना। हमारे को नमाज पढ़ने के लिए, वजू करने के लिए पानी नहीं रहता। हमारे बोरिंग के इसके पानी से हम वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। बोरिंग के पानी से पीने वाला पानी कहाँ से लाते हैं? पैसे से खरीदना पड़ता है हम लोग, पैसों से खरीदे हम लोग पानी मंगाते हैं। प्रेशर भी नहीं आता। जबर भाई बताइए, कहीं ना कहीं लॉकडाउन था, लोग परेशान है, अनाज खरीद कर खाए या जो है पानी जो है खरीद कर पिए, क्या क्या करेंगे? शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। पानी परोठा को डूब के मर जाना चाहिए। और मेरे लिए भी बड़ी अफसोस की बात है, मुझे भी शर्म आती है कि आवाम आज मेरी आवाम इतनी परेशान है, मेरे वार्ड के लोग इतना परेशान है। मैं तो बोलता हूँ मुमरा शहर में बहुत ज्यादा हर वार्ड में करीब करीब कुछ ना कुछ परेशानी है, लेकिन इस वक्त मैं मेरे वार्ड की बात करूंगा, मुझे भी शर्म आ रही है कि मेरे वार्ड में लोग परेशान है और मैं उसका कोई बहुत ज्यादा हल नहीं निकाल पा रहा हूँ। लेकिन मैं अब थक चुका हूँ, मैं एकदम साफ अल्फाज में कहता हूँ कि मुझे पानी लाने के लिए पानी की टाकी भी कई जगह बनी है, तो क्या यहाँ पर है क्या पानी की? जी मैंने सर्वे कराया है, मेरी ऑफिस के थोड़ा ही आगे यहाँ पर रिजर्वेशन प्लॉट है। मैंने गोसावी साहब को ला करके एक विजिट कराया है, मैंने गोसावी साहब को ला करके, और मैंने कहा कि यहाँ भी एक पानी की टाकी बनाई। शादी में परिसर में जो है पानी का प्रॉब्लम चल रहा है, काफी महिलाएं परेशान है, 3 से 4 महीने हो गए पानी नहीं आ रहा, सिर्फ क्या वजह है सर कि जो पानी नहीं आ रहा? एक्चुअली हमने वाई जंक्शन पे अभी नया लाइन डाला है, उधर MMRDA का ब्रिज का काम चल रहा है, उधर नया लाइन डाला है, वो 15 दिन से उसका काम चल रहा था, तो इधर वो उसकी वजह से इधर प्रॉब्लम हो रहा था, तो अभी कल सुबह से वो लाइन चालू किया है, तो अभी 1-2 दिन में सब पानी का प्रेशर डेवलप हो जाएगा और इधर जो पानी का तकलीफ है वो दूर हो जाएगा। सर मुमरा के ऐसे कई इलाके और भी हैं जहाँ पानी की काफी तकलीफ हो रही है, कई बार पानी परोठा विभाग पर आंदोलन भी ऐसे किया गया है, लेकिन पानी की समस्या जो है मुमरा में वो खत्म होते नजर आई नहीं। अभी क्या है मुमरा में ऐसा है कि मुमरा में सब ऑनलाइन सप्लाई चल रहा है। मुमरा में अभी नया प्रोजेक्ट आ रहा है रिमॉडलिंग का, उसमें सब एरिया में टाकी बनेगी और नया लाइन डालेंगे, तो उसके हिसाब से वो हिसाब से अभी जब भी टाकी बनेगी तो पानी जब टाकी में जाएगा तो सब वो एरिया में अपने टाकी से प्रेशर से पानी जाएगा, तो जो अभी लोग ये मोटर लगा के खींचते है पानी वो मसला दूर हो जाएगा, उसकी वजह से पानी लोगों को प्रेशर से मिलेगा और सबको पानी टाकी से प्रेशर से मिलेगा। अभी ये भी माना जा रहा है कि पानी जितना आ रहा है जिस हिसाब से यहाँ पर लोग हैं उस हिसाब से पानी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इलीगल जो है कनेक्शन लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं नई बिल्डिंगें बनकर तैयार हो रही है फिर उसमें से भी पानी का कनेक्शन जा रहा है, तो इसलिए जो है पानी की कमी और होते जा रही है, पानी की समस्या इससे भी ज्यादा बढ़ रही है। नहीं वैसे हमने पानी के इरिगेशन के लिए अप्लाई किया, पानी बढ़ाने के लिए मांग की है और सम्मानीय आमदार साहब अवर साहब ने और मुद्दा उठाया है वो भी उसके पीछे है,
तो उन्होंने भी पानी बढ़ाने के लिए इरिगेशन को लेटर दिया है, और जब तक जब अपना मुमरा का पानी बढ़ेगा तो अपने इधर पानी मुमरा में जो पानी मिल रहा है उन लोगों को वो ऑलरेडी बढ़ेगा। इलीगल पानी के लिए क्या कर रहे हैं, इलीगल जो टैपिंग की गई है इसके लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? इलीगल जो कनेक्शन अभी किया है वो अभी हमारे लोग सब ये करके उनके ऊपर हम गुनाह दाखिल करेंगे। सर ऐसा कई बार अधिकारी लोग कह चुके हैं कि हम गुनाह दाखिल करेंगे लेकिन कुछ होता नहीं है, किए कार्रवाई होती है? कार्रवाई अभी देखो अभी इधर नुमानी साहब के वार्ड में अभी बहुत लोगों की परेशानी है, तो अभी हमारे लोग अभी दो तीन दिन में हम कार्रवाई के लिए भेजेंगे और कार्रवाई करेंगे और लोगों का जो पानी का प्रॉब्लम है वो हम शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो महिलाएं पानी के लिए काफी परेशान है और नगर सेवक जफर नुमानी ने भी क्या कहा वो भी आपने सुना, और जो पानी पुरोठा विभाग के अधिकारी थे उन लोगों ने भी इन महिलाओं की जो परेशानी थी उसे सुनी है, और कहीं ना कहीं जो है इनके परेशानियों का हल निकालने के लिए उन्होंने कहा है। लेकिन महिलाओं का साफ कहना है कि अगर पानी उनके इलाके में नहीं आता है तो आगे चलकर वो बहुत बड़ा आंदोलन पानी पुरोठा विभाग पर करेंगे। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।